हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनोसिंथेसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, इसका फॉर्मूला है, इनका फॉर्मूला है आर बॉन्ड एल आई होता है। लिथियम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मूला है आर बॉन्ड एल आई होता है। आर एल्किल या एरिल हो सकता है, जो ये आर है, आर आर एल्किल या एरिल हो सकता है। अब इसका हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, सी एस थ्री बॉन्ड एल आई, सी सिक्स एच फाइव बॉन्ड एल आई। जिसमें कार्बन लिथियम पोलार जिसमें कार्बन लिथियम पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मेथड ऑफ रिपीशन, अब हम इसकी मेथड देखेंगे। आर बॉन्ड एक्स प्लस टू एल आई बॉन्ड आर बॉन्ड एल आई प्लस एल आई बॉन्ड एक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं आर बॉन्ड एक्स प्लस टू एल आई, तो जिसमें हमारी टू टू लिथियम है, तो ये आर बॉन्ड एल आई हो जाएगा और एक्स यहाँ का जो एक्स है प्लस टू प्लस एल आई बॉन्ड एक्स, ये हम इसमें यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रतिस्थापन। फिर आगे हम देखेंगे सी सिक्स एच फाइव प्लस सी प्लस सी सिक्स एच फाइव बॉन्ड सी एल प्लस टू एल आई, सी सिक्स एच फाइव टू एल आई प्लस एल आई सी एल। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये हमारी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की ये मेथड थी। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट नंबर है, एल्किल लिथियम या तो द्रव होते हैं अथवा निम्न गलनांक वाले ठोस होते हैं। ये जो हमारे एल्किल लिथियम या तो द्रव होते हैं, लिक्विड के रूप में होते हैं अथवा निम्न गलनांक, यदि हम इनको इनको यदि गर्म करते हैं तो ये गलनांक मतलब बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं। ध्रुवीयता पोलारिटी, पोलारिटी की मात्रा एल्किल मूलक की प्रकृति पर निर्भर करती है, पोलारिटी की मात्रा एल्किल मूलक की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये ज्वलनशील एवं वायु में स्वतः जल उठते हैं। अब हम इनकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, हैलोजन के साथ रिएक्शन। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ रिएक्शन। एल आई आर प्लस सी एल टू एल आई सी एल प्लस आर सी एल हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनते हैं। हम सेकंड देखेंगे एसिड के साथ रिएक्शन, आर बॉन्ड एल आई प्लस एस टू ओ आर बॉन्ड एच प्लस एल आई ओ एच एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन, सी टू एच फाइव एल आई प्लस एन एस थ्री सी टू एच सिक्स प्लस एल आई एन एस टू सी ओ टू के साथ रिएक्शन। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सी ओ टू के साथ रिएक्शन करवाते कैसे करवाएंगे हम लिथियम कंपाउंड और लिथियम कंपाउंड के साथ। तो यहाँ हम देखेंगे आर बॉन्ड एल आई प्लस सी डबल बॉन्ड ओ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा, हम इस तरीके से रिएक्शन करेंगे सी डबल बॉन्ड सी ओ टू, फिर आर बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एल आई आर एल आई ओ एल आई, फिर ये आप देख सकते हैं बहुत इजी रिएक्शन है, आप इसको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से करके आ सकते हैं। तो रिएक्शन करवाने पे हमारा कीटोन बनता है। आई होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट रखते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।